और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आगाज के तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सफल चुनावी कार्यक्रमों से उत्साहित कांग्रेस ने ऐलान किया। यूपी में वो किसी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। इस बात का ऐलान यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शीला दीक्षित से जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीएसपी से चुनावी गठबंधन के बारे में पूछा गया तो शीला दीक्षित ने साफ कहा कि किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस अपने बूते खड़ी होगी और लड़ेगी। शीला ने कहा कि पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी जल्द करेगी, लेकिन कब करेगी इसका फैसला पार्टी करेगी। खुद के चुनाव लड़ने पर शीला दीक्षित ने कहा कि ये फैसला वो खुद नहीं लेंगी बल्कि पार्टी का आदेश का पालन करेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दोपहर में लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया। जेटली ने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2011 में लाए गए जीएसटी बिल में राज्यों के घाटे की भरपाई का प्रावधान नहीं था। उन्होंने बताया निर्माण उत्पादन में लगे राज्यों को राजस्व घाटे की चिंता थी। जीएसटी काउंसिल के स्वरूप पर भी विवाद था। जेटली ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के कारण ही इस बिल पर केंद्र और राज्यों की सहमति संभव हुई। इस बिल पर प्रधानमंत्री मोदी शाम को 6 बजे सदन में बोलेंगे। जीएसटी को आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। पूर्व बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शपथ लेकर शामिल हो गए। 22 जून को मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए मौर्य ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद मायावती ने मौर्य के आरोपों का जवाब देते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पिछले 1.5 महीने में यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी प्रसाद मौर्य की 2 बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कराई थी। मौर्य बीजेपी में आए इसका पूरा ताना बना ओम माथुर ने बना है। ओम माथुर अच्छे से जानते हैं कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो सकता है। सलाउद्दीन ने भारत को ये धमकी कराची में जमात ए इस्लामी नेताओं की कश्मीर मुद्दे पर हुई ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। केंद्र मंत्री वेंकैया नायडू ने सलाउद्दीन की धमकी पर कहा, वो है कौन और उसे कश्मीर पर बोलने का हक किसने दिया। उन्होंने कहा कि धमकी से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हिजबुल चीफ ने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के बीच चौथे युद्ध की भविष्यवाणी भी कर सकता हूं, क्योंकि कश्मीरी किसी भी स्थिति में समझौता करने के मूड में नहीं है। जम्मू कश्मीर में जारी तनाव को देखते हुए आज लगातार 31वें दिन कई इलाकों में कर्फ्यू और प्रतिबंध जारी है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा में कर्फ्यू है, जबकि श्रीनगर, सुपोर, बारामुल्ला, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में प्रतिबंध जारी है। यहाँ पिछले माह भड़की हिंसा के बाद से पहली बार जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अलगावादियों ने श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरी और अन्य प्रशासनिक कार्यालय तक लोगों से सड़क मार्ग बाधित करने को कहा है। शैक्षणिक संस्थान, कारोबारी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक परिवहन भी पिछले 1 माह से अधिक समय से बंद है। अलगावादी नेताओं को एहतियात के तौर पर हिरासत में रखा गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है। बताया जा रहा है कि आज हुई इस मुठभेड़ में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। कुपवाड़ा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना कर दिया गया है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ये मुठभेड़ घुसपैठ की कोशिश के दौरान हुई या फिर आतंकी इलाके में पहले ही से मौजूद थे। जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में एनकाउंटर अब भी जारी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के जरिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने की कोशिश में है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के घुसपैठ करने की 8 जगहों और आतंकियों के मूवमेंट का पता लगाया है। लश्कर कमांडर शहबाज उर्फ लतीफ अपने साथ साथ आतंकियों के ग्रुप में तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश में है। हिजबुल मुजाहिदीन के 8 आतंकियों का ग्रुप उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश में है। जैश के 5 से 6 आतंकियों का एक ग्रुप बिमला पोस्ट के नजदीक घुसपैठ करने की कोशिश में है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके साथ ही लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया है। कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग का खुलासा इस इंटरसेप्ट बातचीत से हुआ है। इसमें आतंकी कोड के जरिए बात करने सुनने गए हैं।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में एक सरकारी अस्पताल में धमाका हुआ है। आज सुबह हुए इस बम धमाके में अब तक 53 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के जियो टीवी के अनुसार बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सनाउल्लाह जहरी ने आज भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्वेटा हमले के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक का हाथ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। क्वेटा में एक वरिष्ठ वकील की हत्या के बाद हुए इस ब्लास्ट में घायल होने वाले अधिकतर वकील ही बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या 30 बताई जा रही है। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इलाहाबाद के एक स्कूल में राष्ट्रगान गाने पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने निदेशकों का मुकदमा दर्ज कर स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले स्कूल की प्रिंसिपल सहित 8 टीचर्स ने स्कूल में राष्ट्रगान गाने की पाबंदी लगा देने पर इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वाले टीचर्स का कहना है कि राष्ट्रगान गान संविधान की ओर से दिया गया मूल अधिकार है। स्कूल प्रबंधन ने जब इसे गाने पर एतराज जताया तो उन सबको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। प्रशासन ने जांच कराई तो पता चला कि ये स्कूल बिना मान्यता के ही चल रहा है। प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता के भारत शब्द से उन्हें एतराज है। राष्ट्रगान से भारत शब्द नहीं हटाया जाएगा तो वह स्कूल में राष्ट्रगान गाने नहीं देंगे। बीजेपी के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ना हमेशा से टेढ़ी खीर साबित हुआ है, लेकिन अब बीजेपी की नज़र अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने में लग गई है। पार्टी नेता खुद को मुस्लिम और ईसाई समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें खासतौर पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के युवाओं के विचारों, उनकी समस्या, सरकार की नीतियों पर उनकी राय लेगी। इन युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसी एजेंडा पर बीजेपी काम करेगी। यही नहीं, बीजेपी इन युवाओं की राय भी लेगी। इस सम्मेलन को बीजेपी अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के एक नए गवर्नर को लेकर ताजा अटकलें सामने आई है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण ने गवर्नर रघुराम राजन से मुलाकात की थी। इसी हफ्ते गोकर्ण ने आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वह नए गवर्नर के नाम का ऐलान कब करेगी। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस हफ्ते के अंत तक नए गवर्नर के नाम की घोषणा हो जाएगी। पहले आरबीआई के गवर्नर के पद के लिए जिन लोगों के नाम की चर्चा थी, उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन और भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का नाम शामिल था। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार। We'll be right back.